ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड के राज्य महिला आयोग में 3 उपाध्यक्ष के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति हो गई है। इन नियुक्त उपाध्यक्षों में से 3 तलाक मुद्दे की ख्याति प्राप्त महिला सायरा बानो की राज्य महिला आयोग में ताजपोशी हुई है। इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्षा विजया बर्थवाल ने सायरा बानो को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का नियुक्ति पत्र सौंपा। अध्यक्षा बर्थवाल ने बताया कि सायरा बानो की नियुक्ति से आयोग में शिकायतों का निपटारा करने में गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि खासकर मुस्लिम महिलाओं को अधिक बल मिलेगा, कारण ये महिलाएं अपनी बात आयोग के समक्ष खुलकर नहीं रख पाती थी। वह संकोच करती थी, जिस कारण उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन सायरा बानो की ताजपोशी से शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर समय से कार्रवाई संभव हो सकेगी। वहीं नवनियुक्त राज्य महिला आयोग की सायरा बानो ने अपने ताजपोशी के लिए भाजपा संगठन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सायरा बानो ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की अधिकतर महिलाएं आज भी साक्षर नहीं हैं, और जब ये महिलाएं साक्षर व जागरूक होंगी तभी ये महिलाएं अपने साथ हो रहे शोषण व अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगी। सायरा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता महिलाओं को साक्षर व जागरूक करने की होगी। देखिए, महिला आयोग एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, घरेलू हिंसा और तमाम तरह की जो परेशानियाँ महिलाओं को होती है उनकी सुनवाई की जाती है। हम काउंसलिंग करते हैं और उनका जो दुख है, उनका जो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और सरकार ने 3 और उपाध्यक्ष, मतलब 3 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है, जो कि आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से बल मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुसलमान बहनें भी हैं उनकी भी कई समस्याएं होती हैं। तो अभी उनके लिए कानून भी मोदी जी ने बनाया जो 3 तलाक वाला था, तो उस पर भी मजबूती से काम होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं हमसे नहीं कह सकती हैं तो उनसे कह सकती हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है, अपने धर्म का, मजहब का वो जानकारी रखती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सहूलियत होती है। मैंने जो सत्यशत ग्रहण की है और हमारे जो एसएसपी हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और ये पद से नवाजा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं विशेष तौर से करना चाहती हूँ, किसी भी महिलाओं के साथ अन्याय ना हो मैं यही चाहूँगी। तो क्या ये जो उपलब्धि मिली है, आवाज़ उठाने की उपलब्धि मिली कि सायरा बानो बहुत सारे हैं, आपको ही क्यों चुना गया, वजह क्या मानते हैं इसका? मैं भी उस पीड़ा से और उस दर्द से मैंने भी महसूस किया और फेस किया है, तो मैं ख़ास तौर से उन महिलाओं के दर्द को काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाऊँगी और मैं उनका निवारण बहुत अच्छी तरह से कर पाऊँगी। ये चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, अभी भी बहुत दबी हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत ही दबी हैं, अभी भी बहुत से जो है कुरूतियाँ हैं, मुस्लिम समुदाय में बहुत कुरूतियाँ हैं, तो इसकी वजह से जो है मुस्लिम समुदाय जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। और मैं चाहूँगी कि वो साक्षर हो और अपने जो अपने हित और अहित के बारे में वो सोचें और उनके उनके मतलब उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भलीभांति समझ सकें। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। आप पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कल भूपेंद्र फारासी की सदस्यता ग्रहण के अवसर पर मीडिया के सवाल कि क्या आप पार्टी प्रदेश के लोगों पर विश्वास करती है, तो क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी देकर उसके चेहरे को आगे करने का काम करेगी, जिस पर दिल्ली के विधायक
मोहनिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित ही जिस प्रकार से यहां प्रदेश भर के सभी 13 जनपदों पर आप पार्टी के प्रति विश्वास उभर कर सामने आ रहा है, यह पार्टी व आगामी चुनाव के लिए शुभ संकेत हैं। उन्होंने बताया कि आप पार्टी की पूर्व गठित कार्यकारिणी भंग हो चुकी है और शीघ्र ही नई कार्यकारिणी गठित कर प्रदेश के सामने क्षेत्रीय लोगों को शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कई अहम पदों पर भी नामों की घोषणा करेगी और ये नवगठित नेतृत्व पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगा। वहीं प्रदेश प्रभारी ने ये भी कहा कि पूर्व दिनों में संगठन व कार्यकारिणी में खामियां भी रही हैं, जिसे अब सुधार लिया गया है। मोहनिया ने कहा कि आप पार्टी में कुशल जनप्रतिनिधि के लिए दरवाजे हमेशा से ही खुले हैं और कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में एंट्री करना चाहता है तो उसका स्वागत है, बस शर्त है वह व्यक्ति दागी व बागी ना हो। वहीं मोहनिया ने पूर्व में डॉक्टर हरक सिंह को लेकर चल रही उठा पटक को लेकर बताया कि यदि भाजपा के कैबिनेट मंत्री रावत आप पार्टी में आने की इच्छा रखते हैं तो आप पार्टी में ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत है। अब मोहनिया के इस बयान से ये बात तो साफ हो चुकी है कि जो पार्टी ये कहती नजर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य ही है आम लोगों का साथ, लेकिन अब वही पार्टी के सुर व मायने बदलते दिखाई दे रहे हैं। मसलन आप पार्टी आम आदमी की ना होकर खास लोगों की पार्टी में तब्दील हो रही है। अब पार्टी के इस बदलाव के पीछे उसकी क्या मंशा है ये तो आप पार्टी ही बेहतर बता सकती है। मोने जी, फिर आपसे विश्वास यदि यहाँ के लोगों को विश्वास करते थे, यहाँ पे अध्यक्ष पद का चेहरा क्यों दिखा दिया आगे? देखिए, किसी भी संगठन को बनाने में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी पिछले दिनों हमने कहा कि भाई सारा की सारा स्ट्रक्चर को हम रीबिल्ड कर रहे हैं, बीच में कुछ दिक्कतें आई लेकिन अब उसको ठीक कर लिया गया है और निश्चित तौर पर अगले 2-4 दिन के अंदर नए संगठन की घोषणा हम करेंगे। क्या माने अगले जो चेहरा होंगे प्रदेश का चेहरा होंगे? देखिए, संगठन विस्तार की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लोग लगते रहेंगे और साथ ही साथ लोगों को जिम्मेवारियां भी दी जाएंगी। जिस तरह से भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की बहुत बड़ी है और बहुत डिफिकल्ट है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर संगठन का विस्तार लगातार जारी रहेगा और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है वो निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, आम आदमी पार्टी को एक नए विकल्प के रूप में ये जनता स्वीकार करे। मोहनिया जी, वही हरक सिंह लाकर पार्टी के अंदर विरोधाभास कुछ कर रहे, समर्थन में कुछ विरोध कर रहे थे, तो आपका स्टैंड क्या है हरक सिंह रावत को लेकर? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी लोग अच्छे हैं उनका पार्टी में स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब हम अच्छे लोगों की बात करते हैं तो हमने शुरू से एक क्राइटेरिया को अपनाया हुआ है जिसमें हम ये 3 C कहते हैं कि इन 3 C जो है वो हमारा बेंचमार्क है। आदमी करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और कम्युनल नहीं होना चाहिए। इन 3 C के ऊपर जो भी खरा उतरेगा निश्चित तौर पर उसका आम आदमी पार्टी में उसका स्वागत है और इन 3 C के ऊपर ही आज तक हमने हर आदमी पार्टी में जिसको भी ज्वाइन कराया, इन 3 C के कसौटी को उसे खरा उतरा है तभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा। ग्रहण किया बीजेपुर, कई सारे तजुर्बा है बीजेपी में, बहुत साल सक्रिय रहे आप, तो ऐसे क्या वजह थी ये पार्टी का दामन थाम रहा, बीजेपी छोड़ दिया? पहले तो आप लोगों का स्वागत है और मैं लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने देखा वहाँ काम नहीं होते लोगों, पार्टी के अंदर एक अहंकार टाइप का आ गया है। लोग आजकल मैं देखता हूँ, लोग जाते हैं इस विधायक पे जाके बूके लेके फोटो खिंचा रहे, उस पे जा रहे और सबका ध्यान इसी पे चले गया है, जनता की सेवा कोई नहीं करना चाह रहा है, ना हो पा रही है क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात तो ऊपर पहुँचा नहीं पा रहा है उनके अहंकार के कारण। और मुझे लगा जब मैंने दिल्ली का स्ट्रक्चर देखा आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार ऐसी व्यवस्थाएं की जो कि आम जनता के लिए काम आ रहे, हमारा काम जनता के लिए काम करना है। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, PCM और CBJET, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, BBA, BCom ऑनर्स, MCom, BA, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, PG डिप्लोमा एंड MA इन इंग्लिश, BEd। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।